ओपरा, जो सुनने में आपको अजीब सा लग रहा है, उसकी शुरुआत एक DIY प्रोजेक्ट के तौर पर दो रुमालों से हुई थी। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि रुमाल से शुरू हुई ये ब्रा इंडस्ट्री आज महिलाओं के वार्डरोब का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है कि इंडिया में 2017 में इसका मार्केट 22,000 करोड़ रुपए का था। वही मार्केट 2023 तक 14% ग्रो करते हुए 48,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स रेट्रो डिजाइन ब्राज हैं, खास तौर पे कॉर्सेट्स, जिनका ट्रेंड आजकल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये पहनने वाले के फिगर को आर ग्लास फिगर बनाता है। पर वो सभी फैंस ये नहीं जानते कि उनके फेवरेट कॉर्सेट का कनेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है, वो भी इतना गहरा है कि उस वक्त महिलाओं को इन्हें पहनने से ही मना कर दिया गया था। बट क्यों, और ब्रा को इतिहास में ऐसे और कौन कौन से मोड़ से गुजरना पड़ा था जिसके बाद आज ये अलग अलग शेप्स में औरतों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन आवर वीडियो हिस्ट्री ऑफ ब्रा। इसके लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी स्तन को ढकने की शुरुआत। वेल, अगर रिपोर्ट्स की माने तो ब्रा पहनने की शुरुआत 1859 में सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले औरतें ब्रा नहीं पहनती थी, क्योंकि इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, रोम और ईस्ट एशिया के एंशियंट सिविलाइजेशन में ही औरतों की ब्रा पहनने की शुरुआत ब्रेस्ट को ढकने से हो गई थी। लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन महिलाएं रेक्टेंगुलर कपड़ों को सिलकर ट्यूब बनाकर पहनती थी। वहीं इंडिया में हर्षवर्धन के राज्य से ही औरतें ब्लाउज पहना करती थी, और ऐसा ही कुछ ग्रीस में भी होता था, जहां मैनोनियन सिविलाइजेशन की औरतें, खास तौर पे एथलीट्स, इसके इन्वेंशन से पहले ही इसे पहना करती थी, जिसका सबूत है उस जमाने की ये पेंटिंग, जिसमें औरतों ने खुद ही जुगाड़ कर कपड़े से बैंड्यू बनाकर पहना है। इस बैंड्यू को बनाने के लिए वो सभी रिबन्स को यूज करती थी जो उनके ब्रेस्ट को प्रॉपर कवर देता था। लेकिन शायद आबादी के साथ ही ये इन्वेंशन भी चला गया था, इसीलिए तो 14th century के बाद 1600 तक इन बैंड्यूज और उनके इस्तेमाल को कहीं देखा नहीं गया था। पर एक तरफ दुनिया में जहां औरतें अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए किसी वस्तु की तलाश कर रही थी, वहीं रोम में औरतें चार कदम आगे निकल गई थी, क्योंकि वो सभी लेदर और अलग अलग तरह के कपड़े से बने ब्रास का इस्तेमाल करती थी, जिनका मेन मकसद ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करना और बॉडी शेप को बेटर दिखाना होता था। इतना ही नहीं, कुछ औरतें इसे इसलिए भी पहनती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा। लेकिन जुगाड़ से बनी चीजें कितने दिन चलती, और इसीलिए ब्रा इंडस्ट्री में जन्म लिया उस कॉर्सेट ने जिसे आज पहनना भले ही स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, लेकिन 16th century में इन्वेंट हुए इन कॉर्सेट्स को पहनना किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि 16th century में फैशन में आए यही कॉर्सेट्स ब्रेस्ट को उभार कर फीमेल्स के बॉडी शेप को स्मूथ करते हुए एक कॉनिकल शेप फॉर्म करते थे, जिससे उनकी कमर पतली लगने लगती थी। पर ये कॉर्सेट तब कपड़े से नहीं बल्कि लकड़ी, वेलवोन्स जैसी हार्ड और चुभने वाली चीजों से बनाए जाते थे, जिन्हें बस बांधने के लिए कपड़े से बने लेसेस का इस्तेमाल होता था। लेकिन औरतों के सर पर फैशन का भूत आज से नहीं सदियों से सवार है, जिस वजह से वो सोसाइटी में खुद को बेहतर दिखाने के लिए इन्हें पहनने से बिल्कुल नहीं कतराती थी। यही दर्द भरे कॉर्सेट्स महिलाओं के क्लोथिंग का इतना बड़ा हिस्सा बन गए थे कि विक्टोरियन एरा में ये ट्रेंड करने लगे थे, और इस ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कम उम्र में ही लड़कियों को कॉर्सेट पहनने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, ताकि अपने डिस्कम्फर्ट की वजह से वो कभी भी इसे पहनने से इनकार न करें। जानते हो क्यों? क्योंकि विक्टोरियन एरा में कॉर्सेट्स एक्सपेंसिव तो होते ही थे, साथ ही ये हाई क्लास फीमेल्स के स्टाइल स्टेटमेंट भी थे, और जो भी इसे पहनता था उसे एजुकेटेड और अमीर समझा जाता था। इतना ही नहीं, इन्हीं सब वजहों से औरतें अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए कॉर्सेट्स पहनती थी, जिससे उनके हिप्स एस शेप में नजर आते थे। इतना ही नहीं, मार्केट में इनकी डिमांड को देखते हुए कॉर्सेट्स को पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा टाइट बनाया जाने लगा, ताकि वो अट्रैक्टिव तो दिखे ही, साथ ही फीमेल्स के क्लीवेजेस और ज्यादा एक्सपोज हो। इन्हीं अट्रैक्टिव कॉर्सेट्स को पहनने की कीमत औरतों को अपनी सेहत से चुकानी पड़ती थी, क्योंकि अक्सर कॉर्सेट्स जरूरत से ज्यादा टाइट होते थे, जिस वजह से फीमेल्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी थी। हालांकि उसके बाद भी इन दर्द भरे कॉर्सेट्स को पहनने का सिलसिला लगभग 3 दशक यानी 300 साल तक जारी रहा था, पर फिर भी औरतें दर्द के साथ स्टाइल स्टेटमेंट को मेंटेन रख रही थी। फिर आया एक ऐसा एरा जिसमें इन्हीं दर्द भरे कॉर्सेट्स के पुराने डिजाइन को चेंज करते हुए उसे एक कम्प्लीटली नया लुक और नया डिजाइन दिया गया। इस नए लुक में एक कॉर्सेट जो ब्रेस्ट से लेकर औरतों के बट्स को जकड़ता था, उसे दो अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया था। इसी विभाजन का क्रेडिट दिया गया फ्रांस की हर्मिनी कोरोल,
जिन्होंने क्वाइट लिटरली 19th सेंचुरी के एंड में यानी 1889 में मॉडर्न ब्रा का इन्वेंशन किया था। ये साल ये सदी ब्रा इंडस्ट्री के लिए बहुत रिवॉल्यूशनरी थी, क्योंकि इससे पहले औरतों ने ब्रा के नाम पर बस एक ही चीज पहनी थी, कॉर्सेट, जो कि उनकी बॉडी को मानो बांध सा देता था, जिस वजह से उनका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता था। इसी रिवॉल्यूशनरी काल में बना मॉडर्न कॉर्सेट, जो दिखने में बिल्कुल दूसरे कॉर्सेट की तरह ही था, लेकिन ओरिजिनली ये टू पीस अंडरगारमेंट था, जिसका नीचे वाला पार्ट बट के लिए बना था, जबकि अपर वाला शोल्डर स्ट्रैप्स के साथ ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। जब औरतों ने इसे पहना तब रेगुलर कॉर्सेट के कंपैरिजन में उन्हें ये ज्यादा कंफर्टेबल लगा, और देखते ही देखते ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि 1905 तक इसकी डिजाइनर ने सिर्फ इसके ऊपरी हिस्से को बेचा, और ब्रेस्ट के लिए बने कॉर्सेट के इसी अलग टुकड़े को वोग मैगजीन ने ब्रेजियर का नाम दिया, जिसके बाद इस नाम और इस नाम से मिलने वाली वस्तु की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1907 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसे अपनी डिक्शनरी में शामिल किया था। इतना ही नहीं, पुराने कॉर्सेट के ना सिर्फ शब्द बल्कि उसके डिजाइन के चले जाने से भी फीमेल्स को ये रियलाइज करवाया था कि वो दूसरी किसी चीज से भी अपनी अपर बॉडी को अपीलिंग बना सकती है। पर दो अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद भी नया जन्मा ब्रेजियर औरतों की बॉडी को शेप तो दे रहा था, किंतु कंफर्ट के मामले में वो अभी भी काफी पीछे था। इसीलिए समय और शरीर दोनों की मांग समझते हुए मैरी फेल्प्स जैकब ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसका इंतजार शायद उस वक्त की सभी महिलाओं को था, जिसकी वजह थी फैशन ट्रेंड। दरअसल 20th सेंचुरी में खास तौर पे अमेरिका में रिवीलिंग ड्रेसेस विद प्लंज नेकलाइन ज्यादा पहने जाते थे, जो स्लिम और बॉयश फिगर की लड़कियों के लिए ही बनते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैरी के ब्रेस्ट बड़े थे, जिस वजह से वेल बोन से बने कॉर्सेट उनके गले को जकड़ लेते थे। इन्हीं सब बातों से फ्रस्ट्रेट होके मैरी ने 1912 में दो पॉकेट हैंडकरचीफ और एक सैटन रिबन से ऐसा ब्रा बनाया जिसे बैकलेस ब्रा ब्रेसियर का इन्वेंशन कहना गलत नहीं होगा। ये ब्रा एकदम कॉर्सेट की ही तरह काम करता था, और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि बिना वेल बोन के बने होने की वजह से ये काफी पतला और लाइट वेटेड था। अपने इसी इन्वेंशन को पहनकर जब जैकब पार्टी में गई तब इसने वहाँ मौजूद सभी फीमेल्स को काफी अट्रैक्ट किया, जिसके बाद लोगों से मिली रिक्वेस्ट पर उन्होंने रुमाल से ऐसे अनगिनत ब्रेसियर बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दिए थे। किंतु औरतें दिमाग की कितनी तेज होती हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और मैरी ने तो पूरे महिला वर्ग के लिए ऐसा इन्वेंशन किया था जिसके लिए आज तक सभी थैंकफुल फील करती हैं, वरना शायद उन्हें भी आज कॉर्सेट में खुद को जकड़ कर घूमना पड़ता। इसीलिए तो जब मैरी को रियलाइज हुआ कि उनका ये आइडिया बहुत ही काम का है और इससे सभी औरतों के ब्रेस्ट को कवर करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब उन्होंने 1914 में उसे पेटेंट करवा लिया। पर सदियों के बाद बने इस प्रॉपर ब्रा को जाहिर है दुनिया के कोने कोने में पहुंचने में वक्त लगता, और जिन जगहों पर ये नहीं पहुंचा था वहां की फीमेल्स दो टुकड़ों में कॉर्सेट को ही नई नई चीजें जैसे मेटल्स और कपड़े से लाइट वेट में बनाकर उसे पहनकर अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट दे रही थी। लेकिन क्योंकि ये कॉर्सेट मेटल और दूसरी हार्ड चीजों से भी बनते थे, इसीलिए 1917 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान US वॉर इंडस्ट्री ने सभी औरतों को इनके खरीदने के लिए मना कर दिया था, ताकि कॉर्सेट की जगह ये मेटल्स वॉरशिप में यूज हो सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, US के इस स्टेप के बाद 28,000 टन मेटल बच गया था, जिससे दो वॉरशिप को आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन कॉर्सेट के छिन जाने से हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये वही दौर था जहां से सही तरीकों के ब्रेजियर का इन्वेंशन हुआ था, पर उन ब्रेजियर्स में प्रॉपर कप्स नहीं थे, जिस वजह से ब्रा ब्रा कम और बैंडियूज ज्यादा लगते थे, क्योंकि ये इंडिविजुअली ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं देते थे। इसीलिए 1932 में SH कैंप एंड कंपनी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें ब्रेस्ट साइज को कप का साइज दिया गया। इन कप्स में A से D तक के साइज शामिल थे, और कप्स के साथ ही ब्रेजियर को भी छोटा कर ब्रा का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, इसी दौर में ब्रास पर एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और हुक्स को लगाया गया था, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग थे। इसके बाद 1940 और 1950 में महिलाओं का साथ देने के लिए मार्केट में बुलेट ब्रास लाया गया, वो भी ये बोलकर कि ये ब्रास फीमेल को प्रोटेक्शन देंगे, जबकि ये सब सिर्फ इन बुलेट ब्रास को बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, और उस जमाने में इसे ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपने ब्रेस्ट के शेप को आई कैचिंग बनाने के लिए पहनती थी। फिर ब्रेस्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उस पुशअप ब्रा का निर्माण हुआ, जो फेमस तो अपने इन्वेंशन के कई साल बाद 1990 में हुए थे, लेकिन उसका इन्वेंशन 1964 में ही कैनेडियन डिजाइनर लुइस पोयरियर ने कर दिया था।
सिर्फ यही नहीं, ब्रास पे अलग अलग प्रिंट्स, लेसेस और कलर्स का इस्तेमाल कर उसे पॉपुलर बनाने का श्रेय भी इन जनाब को ही जाता है। इसी के बाद विमेंस का फिटनेस की तरफ बढ़ता रुख देखते हुए जॉग ब्रा का आविष्कार हुआ, जो कुछ और नहीं बल्कि स्पोर्ट्स ब्रा थी, क्योंकि फिटनेस फ्रीक फीमेल्स 1970s में जॉगिंग, रनिंग और एक्सरसाइज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी थी और उन्हें फिटनेस ब्रा की जरूरत थी ताकि एक्सरसाइज के दौरान उनके ब्रेस्ट को फर्म सपोर्ट मिल सके। और फिर ट्रेंड, स्टाइल, कंफर्ट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2000 में औरतों के लिए ऐसे ब्रास को बनाया जाने लगा जो उनके ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के साथ ही एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सके, जैसे स्टेपलेस ब्रास, वन स्टेप ब्रा, कॉर्सेट टाइप ब्रास, ब्रालेट वगैरह वगैरह। पर देखा जाए तो औरतें ब्रा हमेशा से अपने ब्रेस्ट को कवर करने और उन्हें खूबसूरत दिखाने के लिए पहनती आई हैं, ना कि किसी और वजह से, जबकि ये काम तो तन ढकने वाला कोई भी कपड़ा कर सकता है, उसके लिए ब्रा की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों अक्सर लड़कियों को, स्पेशली उन लड़कियों को जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उन पर ब्रा पहनने का अनचाहा प्रेशर बनाया जाता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जय हिंद।